सौ दिन बाकी है और पिछले पौने पांच साल के दौरान फांसीवाद का जो दमन चक्र हम लोगों ने देखा है, एक बात आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इस बात को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए कि इस 2019 के चुनाव में हर कीमत पर मोदी की घर वापसी तय हो चुकी है। मोदी और एनडीए को जिन 69% लोगों ने पिछले चुनाव में वोट नहीं दिया था, इस बार उनके लिए कोई कारण नहीं बनता इस बार वो वोट करे। लेकिन जिन 31% लोगों ने मोदी और एनडीए को वोट किया था, वो किसानों की आत्महत्या, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, रफाल, भ्रष्टाचार और 2 करोड़ रोजगार के सवाल के चलते इनका ये जो 31% है वो पूर्ण रूप से हिल चुका है। और इसीलिए अब कोई रसपन जिसमें ना है, मोदी की घर वापसी निर्विवाद तौर पर तय है, मामला सिर्फ दिखता है कि हम लोग उनको गुलाब में रखना नहीं चाहते। इन संघी भाजपाइयों की सरकार नहीं बन रही, तब सबसे महत्वपूर्ण बात कहना ये चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने, जो भी सत्ता में आए, मोदी और एनडीए को भगाने के बाद उस सरकार को पहला काम ये करना पड़ेगा जो 24 लाख गवर्नमेंट जो सेंशन करके रखी है उसको पहले 100 दिन के अंदर उसको भर्ती किया जाए, उसको फिलअप किया जाए। अस्त्र हमारा दिमाग रहेगा, नई जो भी सरकार बने इन फांसीवादियों को भगाने के बाद, और यदि वो सरकार भी रोजगार गारंटी का कानून लेकर नहीं आती और यदि 100 दिन के अंदर ये 24 लाख नौकरियों में भर्ती नहीं करती, तो दोबारा इसी पार्लियामेंट स्थित पर हम लोग जमा होंगे इसी यंग इंडिया के बैनर के तहत। ये बात हमको तय करके जा रहा है। साथियों, हर साल लोगों ने युवा को रोजगार का प्रॉमिस दिया, इस झूठ के संसार में पौने 5 साल के दौरान कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन उसका 10% 10 लाख होता है, उसका 1% भी रोजगार नहीं मिला। 24 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हुई। आज हम जानते हैं कि स्कूल की 70-80% आबादी रोज के 20 रुपए में गुजारा करती है। एक आंकड़ा यह कहता है इस मुल्क में 84 करोड़ लोग रोज के 20 रुपए में जीते हैं। 40 करोड़ से ज्यादा आबादी चौल, झोपड़पट्टी और फुटपाथों में जीती है। 60 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को मिनिमम वेज तक नहीं मिलता। तो इस परिस्थिति में सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि नरेगा को दुरुस्त करते, उसके बजाय मोदी की सरकार ने नरेगा में जो बजट की रिक्वायरमेंट है उसका उल्टा कर दिया। 76,000 करोड़ मोदी अलोकेशन करने को तैयार नहीं। तो हमारी ये भी डिमांड होनी चाहिए कि नरेगा के कानून को मजबूत करें, 100 दिन के बजाय 200 या 300 दिन का नरेगा हो, बल्कि भविष्य में ऐसा कानून बने कि 300 + 3 उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि जो रोज मिले उसी को रोजगार कहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सारे विपक्ष के बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट करने के लिए उनके पीछे सीबीआई को छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के वहां सीबीआई को भेजा, सीबीआई के नाम से मायावती जी को डराते हैं, अखिलेश यादव जी ने वहां भेजा, लालू प्रसाद यादव
ममता बनर्जी के वहां भेजा। हमको ये सवाल करना है कि यही सीबीआई नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विपुल शाह, जतिन मेहता, संजय शाह और विजय माल्य के घर क्यों नहीं भेजी होगी। जब सवाल पूछा जाते हैं जिन चीट फंड की कंपनियों के विक्टिम्स के लिए भाजपा के सारे प्रवक्ता न्यूज चैनल्स में सिंपति दिखा रहे, उसके बारे में सिर्फ एक मिनट में बात करना चाहूंगा। ये कितना बड़ा झूठा हमारे सर पर बैठा है। ब्लैक मनी आएगा तो आधा दिया, काले धन को वापस लाएंगे, 56 इंच का सिरा फुला फुला कर पूरी दुनिया ने ढिंगोरा पिटकर कहा कुछ भी हो जाए काले धन को वापस लाऊंगा। पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी इस मुल्क के 6 करोड़ इन्वेस्टर्स को लूटा, एक का दो करने के नाम से पैसा कलेक्ट किया और एज एक्सपेक्टेड अचानक एक दिन ताला लगाकर मारे की तरह भाग गए। अनगिनत हजारों की तादाद में लोगों ने पूरे देश में मुकदमे दर्ज किए। फाइनल मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट का 2 फरवरी 2016 को जजमेंट आया। इस पीएसए नाम की कंपनी ने जिन 6 करोड़ लोगों को लूटा है उसकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी करके उनका एक एक पैसा वापस करो। सीबीआई का एस्टिमेट ये कहता है कि इस पीएसए की सारी एसेट्स, सारी प्रॉपर्टी की नीलामी होती है तो अमाउंट विल गो अराउंड 1.86 लाख करोड़। जिन 6 करोड़ लोगों को पैसा वापस करना है वो अमाउंट होता है 49,000 करोड़। मोदी जी एक पैसे की नीलामी नहीं कर रहे, ये इनका असली चरित्र है। साथ में मेरी बात को खत्म करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम जिस प्रकार से 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार तभी आदिवासी बहुजन वासी पे जितने भी एजेंसी है उनका अंगू का काटने का यह फॉर्मूला जो लेकर आए हैं 13.2 उसका भी हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं। और साथ साथ आनंद देवकुंडे और भीमा कोरे गांव में 2 अप्रैल की भारत बंद के दौरान जितने भी प्रगतिशील मानवाधिकार के कार्यकर्ता और आम्बेडकर राइट्स की फर्जी मुकदमों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, फर्जी मुकदमे लगे, इन सारे केसेस को भी वापस लिया जाए। यंग इंडिया के बैनर के तले ये मार्च हुआ और साथियों इतना कहकर मैं बात को खत्म करूंगा कि न्यू इंडिया कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट एलाइनेशन ऑफ कास्ट एंड एलाइनेशन ऑफ कास्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंटरकास्ट मैरिज। इसीलिए 14 अप्रैल को भी सेलिब्रेट करिए, 14 फरवरी